दोस्तों, हमारे जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भी हमें वह कार्य करने को प्रेरित करता है, परंतु हम चाहकर भी उस कार्य को नहीं कर पाते। हम चाहकर भी उस कार्य को क्यों नहीं कर पाते जो करना हमारे लिए उचित है? एक उदाहरण से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते तो हैं कि ध्यान हमारे लिए सही है, पर फिर भी हम लगातार ध्यान नहीं कर पाते। ज्यादातर लोगों को यह बात पता है कि इस जीवन का जो पहला सुख है वह एक स्वस्थ शरीर ही है, पर फिर भी लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर जाने अनजाने एक गलत आदत विकसित कर चुके हैं, और वह आदत है केवल अर्जेंट काम करने की, अर्थात वह काम करना जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम तब तक किसी काम को नहीं करते जब तक कि वह जरूरी न हो जाए। लोग एक्सरसाइज, योगा इत्यादि करना तो शुरू करते हैं, परंतु तब जब उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां घुस जाती है। लोग खुद को जानने की कोशिश तो करते हैं, मगर तब जब उनके जीवन में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। जबकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बचपन से ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर हम इन पर तब तक कार्य नहीं करते जब तक कि यह अर्जेंट नहीं बन जाए। ज्यादातर लोग बस यही एक गलती करते हैं, वे हर इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट होने देते हैं। दोस्तों, आपने भी यह बात बहुत बार सुनी होगी कि जीवन में हर चीज को उपभोग करनी चाहिए। लोग कहते हैं, हमें खुद को जानने की क्या जरूरत है, अभी तो हमने जीवन को ठीक से जिया भी नहीं। पर दोस्तों, सत्य तो यही है कि आप जीवन को जी ही तब पाएंगे जब आप खुद को जान सकेंगे। आप कहते हैं, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी लाइफ को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है, वैसे भी अभी बहुत लाइफ बाकी है। आप में से बहुत सारे लोगों की यही सोच होगी, पर दोस्तों यह सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पता होगा, परंतु क्या आपको आपका डेट ऑफ डेथ पता है? आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी? आप अपने जीवन का अंतिम श्वास कब लेंगे यह आप नहीं जान पाएंगे। तो आपके पास जीवन जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, आपके पास सिर्फ यह वर्तमान है, और इसी वर्तमान में ही आपको एक संकल्प लेनी है कि अगर आपको अगला सेकंड मिलता है तो क्या आप उसे बर्बाद करना चाहेंगे या उपयोग में लाना चाहेंगे। तो जब आपको यह नहीं पता कि आपके पास कितना समय है, तो क्यों ना अब एक समझदारी भरा निर्णय लिया जाए, ठहर कर देखा जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं वहीं जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता था, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था, जो मेरे लिए करना उचित था। यह सवाल आपको खुद से ही पूछनी चाहिए, कोई और इस सवाल का उत्तर नहीं देगा। यह सवाल आपको ही अपने आप से पूछना होगा, और उत्तर भी आपको अपने आप से ही प्राप्त होगा। आपको खुद से यह प्रश्न निरंतर पूछनी चाहिए कि जो कार्य आप अभी कर रहे हैं वह कार्य आपको क्यों करनी चाहिए। जीवन के अंत में हमें पता लगता है कि हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिन्हें अगर हम ना करते तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छे से गुजरता। दोस्तों, जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास समय कितना है यह हमें पता नहीं। तो क्यों ना इस जीवन में सभी व्यर्थ चीजों को करने से पहले सभी महत्वपूर्ण चीजें की जाए, शायद यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम निर्णय होगा, और यही हमारे जीवन का
निर्णायक सिद्धांत भी होगा।